मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने माना है कि जमीन आरक्षित की गई है। मैं दो प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से पूछना चाहूंगा। एक, क्या माननीय मंत्री जी आगामी कार्य योजना में इस भवन आईटीआई भवन जीरापुर को अपनी आगामी कार्य योजना में शामिल करेंगे, और जो भी कार्य योजना उनकी किसी भी वित्तीय पोषण संस्थान को जा रही हो, चाहे नाबार्ड को जा रही हो, चाहे एडीबी को जा रही हो, उनमें शामिल करके और इसकी स्वीकृति का प्रस्ताव रखेंगे, इसकी प्रशासकीय स्वीकृति करवाएंगे। और दूसरा जो मेरा प्रश्न था है वो ये है माननीय अध्यक्ष महोदय कि यहाँ सिर्फ दो ट्रेड चल रहे हैं, हो सकता भवन की सीमाओं के कारण दो ट्रेड चल रहे हैं, पर यहाँ पे मैं लिखित में दे दूंगा माननीय मंत्री जी को, और भी ट्रेड प्रारंभ करने के लिए क्या प्रस्ताव रखेंगे। और ये बेरोजगारी से ग्रस्त क्षेत्र है जीरापुर का पूरा, मात्र 20 छात्र अभी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, इनकी संख्या बढ़ाने के लिए क्या मंत्री जी विभाग को निर्देशित करेंगे कि वहां पे कोई भी डायरेक्टर संचालक एक विजिट करके और वहां की जो परिस्थितियां हैं उनसे की जानकारी लेकर और वहां पे ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को प्रशिक्षण मिल सके ऐसा सुनिश्चित करवाएंगे। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, विस्तार में हमारे माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर दिया गया है। इनने अभी आपके माध्यम से दो प्रश्न नहीं पूछे, तीन प्रश्न पूछे। तो पहले तो मैं उनको बता दूं कि जो 21 आईटीआई की घोषणाएं की गई थी उन 21 में जीरापुर था। अब वित्तीय स्थिति की वजह से ये आईटीआई को हम लोगों ने नाबार्ड में प्रस्ताव भेजा है उसको लेने के लिए हाथ में। जब तक वहां से उत्तर नहीं आएगा तब तक मैं कमिट नहीं कर सकती हूँ। पर मैं एक छोटा प्रश्न पूछना चाह रही हूँ आपके माध्यम से कि आप इतने बड़े मंत्री थे कमलनाथ जी की सरकार में और पूरे एक साल आपको मिले माननीय मंत्री जी ये जीरापुर को ठीक करने के लिए और आईटीआई बनाने के लिए, तो तब आप कर लेते तो बहुत बढ़िया होता। मैं उत्तर उत्तर उनके प्रश्न का उत्तर दे जा जी। कोई सवाल नहीं। प्रिया सिंह जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने उस समय भी प्रयास किया और क्षेत्र मेरा है माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे वहां की जनता ने निर्वाचित करके भेजा है, उस क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़ना मेरा कर्तव्य है, चाहे मैं पक्ष में रहूं चाहे मैं विपक्ष में रहूं। पर माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय मंत्री जी आज क्योंकि वे जवाबदारी में हैं और ये भवन स्वीकृत करवाएंगे, चाहे नाबार्ड से करवाएं चाहे एडीबी से करवाएं, जिस योजना से करवाना चाहे वो करवाएं, अगर वो करवाएंगी सम्मिलित करेंगी अपनी कार्य योजना में और यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को मौका देंगी, तो मैं उनका आभारी रहूंगा। अध्यक्ष जी, मेरा कर्तव्य है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है तकनीकी एजुकेशन में, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। माननीय मेरा दूसरा जो प्रश्न था माननीय अध्यक्ष महोदय कि वहाँ पे डायरेक्टर को एक बार भेज दें तकनीकी शिक्षा के, वहाँ पे जाके वो व्यवस्थाओं को देख ले और ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षण वहाँ के बेरोजगार नौजवानों को मिल सके, उसके लिए भी कुछ कार्रवाई अगर विभाग को निर्देश देंगी तो अच्छा। माननीय मंत्री जरूर भेजूंगी, आश्वस्त नहीं करवा रही हूँ, पर जरूर उनको भेजूंगी देखने के लिए, पूरा देखने के लिए।